कितने फुट के हो? हम 2 रुपए के हैं। 2 रुपए खाली है? कई पैसा? 30 के। मकड़ी जैसी। आप अपने पोते के लिए चाय नहीं बना सकती हैं। रात भर से नींद नहीं आ रही है। सबके सब अभी सोए हुए हैं। एक दिन कहा ना 10 रुपए दीजिए उनको। सास बराबर। रात भर से नींद नहीं आ रही है। ट्रेन में हूँ मैं अभी और गया रेलवे स्टेशन पे, रुकी हुई है ट्रेन। पता नहीं मतलब दिमाग में एकदम से आया कि व्लॉगिंग करनी चाहिए डेली वाली, और बस शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने। और मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मन किया, मैंने सोचा शूट कर लेता हूँ। देखते हैं आगे मन करेगा तो ये आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। फिलहाल अब कोशिश करता हूँ कि नींद आ जाए, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया। मुझे जो मन में आ रहा था कि थॉट कि यार करना चाहिए करना चाहिए, कैसे शुरू करूँ कहाँ से शुरू करूँ नहीं मालूम, पर अब लगा यहीं से शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं। फिलहाल सोने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ नींद आती है या नहीं। सबके सब अभी सोए हुए हैं, एक मेरा ही जो दिमाग है वो उछल कूद मचा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे नींद आएगी। सर दर्द कर रहा है पर नींद नहीं आ रही है। सुबह 6:30 बजे, आधे घंटे लेट मैं अपने होम टाउन मिर्ज़ापुर में पहुंच गया हूं। और जो ब्लॉग का थॉट था वो सोचते सोचते तो मैं सोया, लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ सोच रहा था कि नाम क्या रखूं चैनल का, यार वो नहीं समझ में आया। तो धीरे धीरे सोच रहा था वही चीज़ें, और वो चीज़ें सोच सोच के फिर सो गया फाइनली, और उठा तो अभी मिर्ज़ापुर पहुंच गया। बस खाली है चिन्हवाई ना रहा है। कई पैसा? 30 रुपये। चल ठंड है आज, और बस ज़्यादा नहीं लगता है मुझको, 10 मिनट में पहुंच जाता हूं अपने घर पर। और घर पे पहुंच के नहाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है भाई। पहुंच के और वैसे भी सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी नहलवा देती है कि जाओ सीधे नहा के फिर उसके बाद कुछ करना। दाइना घुमा लो यहाँ से। सो आज की सुबह की शुरुआत हुई है चाय से। ठंड है बहुत तो चाय पीना ही चाहिए, और ठंड लग रही थी। कपड़े वपड़े पहन लिए, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और ये सब करके और ब्रेकफास्ट करके सोना है। आज अच्छी बात है कि संडे है तो आराम रहेगा, मतलब और दिन भी मेरे कई सारे काम होते रहते हैं बाकी दिनों पे, तो आज छुट्टी का दिन ही है। ओए लड़के कितना वीडियो देख रहे हो, चलो बंद करो। हाँ बस करो, 2 घंटे से देख रहे हो। 2 घंटे से दांत कहाँ आ गया तुम्हें? मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या बन रही है? अल्ट्रासाउंड। क्या होगा? कितने लोग का है? 3 लोग का। 3 लोग खा लेंगे? तीन यस। तब तो हम खा लेंगे अकेले। नहीं। दो रोटी खाती हूँ। 2 रोटी में इतना बड़ा शरीर कैसे चलेगा? विंटर की एक खास बात होती है, जहाँ मन हो बेड पे कंबल में घुस के बस खाने पीने का सारा चीज अरेंजमेंट हो जाता है। और यह है तिल का कुछ है, गुड़ और तिल है, और जाड़े में सब बहुत खाते हैं। मकर संक्रांति का टाइम है, और बाकी मटर वगैरह की घुघरी वगैरह बनती है तो हमारे यूपी में तो बहुत चलती है। बाय द वे ये मस्त है। और अभी बस
आराम से खाना पीना है, न्यूज़ वगैरह कुछ देख रहा हूँ मैं भी बैठ के, और संडे का दिन है, पूरा फुल्ली एंजॉय हो रहा है खाते पीते। ब्लॉग बनाओगे? ब्लॉग नहीं बनाओगे? बंद करो, बनाओ ब्लॉग, तुमको बनाना है ना। बड़ा होकर बनाऊंगा। बड़ा होके बनाओगे तो अभी भी तो हो, सही तो हो, बड़े हो तो क्या। कितने फुट के हो? हम 2 रुपए के। 2 रुपए के हो? 2 रुपए दे, 2 रुपए दे। 50 करोड़ अभी 2 रुपए को खुद बोल रहा हूँ। जाओ मम्मी बुला रही, जाओ चलो। अरे जाओ, नहीं जाऊंगा। अरे एक नंबर में एक लगाया। दिन भर बस YouTube देखना है। दूर कर दिया। अरे क्यों? मेरा टकलू दिख रहा है। मार दूंगा, मेरा टकला की ये बाल है। अरे वैसे एक सेकंड यार, अगर आ गया स्टार्टअप से रिलेटेड, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी कभी कॉल ही नहीं उठाएगी। वेट करते रहो, उठा ले यार। वीडियो देखने के चक्कर में खाएगा नहीं खाने, हम बोल देंगे तुम्हारे। लैपटॉप फटा ठीक है। अचार लाए? अचार मकड़ी जैसी है। कहाँ है उस? अच्छा प्याज, मम्मी कैसा लड़का, प्याज भी नहीं, सेम है। सेम है वो और कुछ लाए? अचार भी लाए? नहीं लो बाबू खा लो। और लड़का दादी का पैर दबाओ, फिर तुम्हें खिलाएंगे आपको। एक दिन कहा था 10 रुपये दीजिए उनको, हम कह के देंगे, पर मेरा पैर दबाना पड़ेगा। बोला अच्छा दबाएंगे दबाएंगे। उसके बाद आया, फिर कहता है कि वो तो उस दिन नहीं बोले, उस दिन भाग गया था तो खेल रहा था। 2 दिन बाद वो बोले कि दादी का तुम पैर नहीं दबाए। तो कहता कि अब तो इतना दिन हो गया ना, खत्म हो गया उसका। बस अपना काम करवाओगे तुम? करवाता ही है। कहेगा कि आप अपने पोते के लिए चाय नहीं बना सकती हैं। है अभी इसकी मम्मी से बोलेंगे ना, तो पता चलेगा। मम्मी से इसका बोलेंगे, वीडियो देखा है। कसम खा के बैठी है कि आज उठाएगी नहीं, तेरे से काम पड़ा हुआ है। नाचने को नहीं बनने बोल रहे हैं, ब्लॉग बनाने को है ना। क्या कर रहे हो? वीडियो डाल रहे। वीडियो वीडियो फेसबुक पे का वीडियो डालने का चीज है क्या? हाँ तो वीडियो फेसबुक पे भी तो जाती है। वीडियो फेसबुक नहीं, केवल यूट्यूब पे जाती है, और यूट्यूब पे जाती है तो वहाँ से फेसबुक भी जाती है, वहाँ से लोग देखते हैं, देखने से लोग बनाने तो आता नहीं, इधर उधर मुंह में कैमरा ही घुमा दे रहे हो। और फिर लोग सर फोड़ते हैं अपना कि मुझे भी वीडियो बनाना है, मुझे भी आईफोन चाहिए। लोग नहीं, लोग फिर अपना सर फोड़ते हैं, दिमाग हिलता है। फिर इससे दांत कब आया ये बताओ पहले। दांत कब? दांत तो चूहा लग गया और उसने जीभ लगा दिया। जीभ लगा? हाँ जीभ कहाँ लगाया? बाय 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 चूहा, कितना चूहा।
मैसेज आया है जिसको मैंने बोला कि जिम चलने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं है जिम चलने को, अपना मोटापा ये बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता है। और ये इसका फेस देख सकते हैं छिपाने से नहीं छिपेगा, जिम करने से छिपेगा। क्यों इतना मेहनत से बढ़ाया घटाया क्यों हम? ये भी बात लॉजिकल तो है। ये किसका लिख लिया? ये किसका नंबर लिखा है? ये किसका? अच्छा पापा का नंबर लिखे हो। अपने पापा का लिखेगा? दादाजी का भी पता है। चाचू को नहीं पता ना? नहीं। ये है कौन, कोई जानता है इसको? नहीं, YouTube जानता है पर मैं नहीं जानता। हम लोग कोई नहीं जानते इसको। मेरी वीडियो देखते हो? नहीं, मैं तो वीडियो उड़ा के फेंक देता हूँ आसमान में। मेरी वीडियो पसंद है क्यों? वीडियो वीडियो बताओ, दिमाग हिल गया। बताओ वीडियो। अरे मुझे नहीं पता है। देख मतलब नहीं देखते हो? नहीं मैं तो वही। अच्छी होती है बकवास? मैं तो मसंद भेर देखता हूं। अच्छी होती है बकवास? अरे हमको क्या पता जब हम कभी देखते ही हूं। कुछ फायदा उसको हो तब देखे होती है मतलब। यार बाहरी लोगों के लिए सही, हम लोग तो बोर हो गए देख देख के ना। हाँ बेइज्जती कर लो सबके सब मिल के। जाओ मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं वो लोग जानते हैं ना मुझको। वही बात है ना, घर की उम्र की सास सास बराबर। शादी हो गई है बोलोगे, बीवी सुने की लात पड़ेगी। सास साली सब दिखेगा, घर की मुर्गी सास बराबर। किसका नंबर लिखा भाई? अब किसका नंबर लिखा उधर? ये किसका लिखे हो? अच्छा मम्मी का लिखे हो। क्या है खराब कर रहे हो यार? मेरी फोटो है, मैं जाऊँ घर की मुर्गी सास बराबर। नया मिल गया है, सब लोग नोट कर लेना। घर पे जाके ना बीवी को सुनाना पड़ता है।